3 vehicle स्ट्रेटेजी उनका काफी प्यारा था। यहाँ पे मेगा वर्सेस टेम्पो का फाइट हो सकता है। मेगा यहाँ पे कंपाउंड के अंदर होल्ड कर रही है, पर मेगा को यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। लेफ्ट से टेम्पो एक्सपेक आ रहा है जो इनके लिए काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। रेन अगर चाहे तो नीचे वाले हिल पे, जो कि रेड घर के नीचे वाले हिल है, उस पर जाकर होल्ड कर सकता है। स्टोन का अगर ये नेट कनेक्ट हो गया तो मैं इसको यहाँ इस टूर्नामेंट का नेट गॉड बना दूंगा। बट यस द नेट एक्चुअली कनेक्ट एंड यू नो बहुत ही प्यारा नेट था वो। आई प्रिटी श्योर कि उन्होंने स्पॉट कर लिया था कि वो इस ट्री पे कवर ले रहा है एंड वहां पे एक नॉक इन्होंने कर दिया। यहाँ पे अगर टेम्पो मेगा को नॉकआउट कर देती है तब मैं बोलूंगा कि गेम हमें टूर्नामेंट टेबल पॉइंट्स पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज या तब मेगा के लिए 2 बैड गेम्स ऑन अ ट्रॉट हो जाएगा। पर यहाँ पे थर्ड पार्टी करने को पहुंचे ओमेन एलीट के जूटे, वहां पे एनएस के भीष्मा ने V5 के वुजियन को नॉक किया एंड वहां पे कवर फायर में नैनी डेड आईक्यू ने भीष्मा को नॉक किया। जोकर वहां पे वुजियन को कंफर्म करते हुए V5 इज डाउन टू 3 मैन, INS इज डाउन टू 3 मैन, एक बंदा उनका नॉक्ट है। ओएम के जूटे कार ने वाईफाई स्प्रिंग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं एंड उन लोग अपने टेम्पो स्टॉर्म के लिए दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे हैंग अकेला बचा बचा बंदा बचा, स्मोकी को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ज़्यादा अग्रेसिव मूव दिखाने की जरूरत नहीं है। पर वहाँ पे जोकर ने नैनी के आई कैक को नॉक किया एंड यहाँ पे INS अपना मोमेंटम गेन करते हुए। ये बहुत दिक्कत वाला काम हो सकता है। मीनवाइल आप देख सकते हो टेम्पो एक्सपेक्ट ने वहां पर मेगा की स्क्वाड को काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे, लेकिन मेगा के पहुंच जा चुके थे पीछे से फाइट लेने के लिए। किल फीड के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत प्यारी फाइट चल रही है। मेगा 16th पोजीशन पर एलिमिनेट होती हुई ऐसी टीम जो की ऊपर थी अभी तक, वो बहुत नीचे एलिमिनेट हो रही है। मीनवाइल हम वापस आते हैं INS की फाइट के ऊपर, बिकॉज V5 के हैंग वहां पर बचे हुए, पीछे उनके और भी प्लेयर्स हैं आ चुके थे बिकॉज उनका भी एक ही प्लेयर बच रहा था वहां मेजर अल्फा। मीनवाइल हम वापस आते हैं इस वाली फाइट में, आप देख सकते हो कि एसीरियन के प्लेयर्स कितना ज्यादा क्लोज है टेम्पो एक्स के एंड टेम्पो एक्स के प्लेयर्स मूव करना चाहते हैं फिनिश करने के लिए। एक प्लेयर को डाउन किया बहुत प्यारे तरीके से, सारी टीम इकट्ठे मूव कर रही है स्ट्रेटेजिकली, लेकिन निको की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। ऑन द अदर हैंड रेन पीछे से उजी का स्प्रे अगर दें तो काफी सही हो सकता है। आगे इनको एक ग्रेनेड करना पड़ेगा अगर इनको मूव करना है, इनके ऊपर भी एक प्लेयर नॉकड आउट पड़ा है, उसको रिवाइव चाहिए होगा, बट देन उसको रिवाइव मिलने कोई चांसेस ही नहीं थे यहां पर। एंड आप देख सकते हो एक प्लेयर एसीरियन का कितने आराम से, जस्ट वो आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो अपना फुटस्टेप्स ना दें वो ज्यादा सही होगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अगर फुटस्टेप्स दिया 4 प्लेयर्स इनके ऊपर चढ़ जाएंगे, 1v4 की जगह 4v1 हो सकता है, तो फिर वो सिचुएशन हो जाएगी। सो अभी के लिए इनको बस पेशेंटली बैठना पड़ेगा, उम्मीद करना पड़ेगा कि बाकी सारी टीम अननोइंगली घूमते फिरते आए एंड ये एक स्प्रे में अगर इनके लाइन ऑफ फायर में चारों बंदे आ गए तो ये ले जाएंगे। बट देन मेरे को नहीं लगता कि टेम्पो वो गलती करेगी, जिस जैसा उनका टेम्पो है जैसा उनका गेम प्ले है वो ये गलती तो नहीं करने वाली। एंड अपने एक प्लेयर को ये मरता हुआ देख रहे हैं, स्लोली एंड स्लोली एसियन का एक प्लेयर ब्लीड आउट कर रहा है, वो दिक्कत वाला काम है। यस एंड यहाँ पे अगर हम बात करना चाहेंगे टीम INDI की, तो टीम INDI यहाँ पे नॉक कर चुके हैं एक प्लेयर को एंड यहाँ पे चारों बंदे अलाइव, 2 नॉक ऑलरेडी। PT और टीम INDI की फाइट काफी देर से चल रही थी पर ये फाइट जोन के बाहर हो रही है एंड INDI को बहुत जल्द जोन के अंदर जाना होगा। उनके लेफ्ट साइड में टीम नंबर 13 है V5, बिकॉज सारे प्लेयर्स उसके ठीक नीचे ओपन में घूम रहे हैं। अगर BTR यहाँ पे ये फाइट ले पाती है, OM अगर ये फाइट ले पाती है पूरे BTR को आउट करती है, तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल देखने को मिलेगा। ओशिन ओमन के पास काफी अच्छा पोजीशन है, वो पोजीशन को उनको बस स्किल्स में कन्वर्ट करना है। मेरे को लगता है BTR के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि BTR ऐसे लोअर रेंज टू अपर रेंज के अंदर फाइट के अंदर हमेशा दिक्कतें आती है एंड वो चीज लेके आ रहे हैं। लेकिन पहला प्लेयर डाउन कर चुके हैं, वाईफाई जा रहे हैं आराम से, वाईफाई ने डाउन किया 2 प्लेयर्स यहां पर ओमन एलीट के लिए डाउन हो चुके थे, रिवाइव्स मिल जाएंगे बहुत आराम से। बट देन ये ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड गेम को बदल सकता है पूरा का पूरा, बिकॉज ग्रेनेड कुक तो बहुत सही हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा आराम से, यस ये डाउन कर चुका होगा, लेकिन ऊपर जो प्लेयर्स हैं एक और चीज आती है कि जो ऊपर का प्लेयर है वो किस तरीके से गेम को बदल सकता है, बिकॉज अब उसके लिए ये गाड़ी कितों की तरह बिखरते हुए INS के स्मोकी डाउन हो चुके हैं वहां पर, ये चीज की दिक्कत आने वाली है। फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स भी स्पॉट कर सकते हैं, उनके पास एक कवर है, थोड़े से कवर्स हैं, एक शैक का कवर है उनके पास, तो ये दिक्कत है कि क्योंकि जोन इनके ही थोड़ा सा क्लोज बनता है, तो इनको जहां प्लेयर्स दिखते हैं डाउन किया, आप देख सकते हो जोकर को भी डाउन कर चुके हैं। सो फुटबॉलिस्ट मेरे को लगता है ऐसे गेम चेंज कर सकते हैं, ये वो टीम होगी जो कि लोगों ने सोचा थोड़ा सा नीचे है बट ये ऊपर आ सकती है। टेम्पो स्टॉर्म 12 किल्स एंड फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स INS को बिखेर रहे हैं, वहां पर जोकर को फिनिश किया जा चुका है, चारों टीम्स अभी भी अलाइव हैं। INS के प्लेयर्स 2 प्लेयर्स जिंदा हैं, 1 प्लेयर नॉक्ड आउट है, सो INS के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई। स्मोकी को इनको बचाना पड़ेगा कुछ भी करके, रिवाइव्स आर कमिंग इन हैंडी, तब तक स्मोक किए जा रहे हैं किस तरीके से बचा सके अपने एक प्लेयर को। अब देख सकते हो पार्टी टाइम का एक प्लेयर अकेला जो पहले से बचा हुआ है, जिन्होंने पहले प्लेयर्स को डाउन किया था, वो अभी भी गेम को अपने हिसाब से खेलते हुए बचाते हुए पैसिवली खेल रहे हैं। फुटबॉल इसके प्लेयर्स टेम्पो स्टॉर्म जो कि अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है, वो भी इस गेम को निकाल रहे हैं अच्छे तरीके से। बट देन INS को मूव करना, हर टीम को
INS हो गई, फुटबॉलिस हो गई, टेम्पो स्टॉर्म हो गई, उनको जोन में मूव करना है। भीष्मा डाउन हो चुके हैं, टेम्पो स्टॉर्म की नजरें यहीं पर है। INS जो सेकंड हाईएस्ट स्किल टीम है उनके ऊपर नजरें गड़ाकर रखी हुई टेम्पो स्टॉर्म ने, एंड वो नहीं चाहते कुछ भी करके वो ये टीम जोन में आए, जोन के बाहर वल्नरेबल बनाकर रखना चाहेंगे। एंड स्मोकी को भी डाउन किया जा चुका है। INS जो अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर थी थोड़ा वीक एरिया पर आ चुकी है, एंड ये चीज दिक्कत हो सकती है। बट देन INS के प्लेयर्स आर मूविंग फॉरवर्ड, मेरे को लगता है कार्टून चलती गाड़ी में नॉक हो सकते हैं। बट देन बहुत कम एचपी पे बचे हुए कार्टून गेम को आगे लेकर गए। बट अब प्ले जोन से INS कार्टून, यहाँ पे फुटबॉलिस वर्सेस टेम्पो वर्सेस पीटी, तीन टीम्स बची है। टेम्पो सॉन्ग के बाद बहुत ही प्यारा मोमेंटम है, बहुत ही अच्छा मैन एडवांटेज है, पर फुटबॉलिस के लोवाइजन यहाँ पे क्या प्यारा एकेएम चला रहे हैं। मैं उनको कब से किल फिट में देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से एकेएम से वो ले रहे हैं। यहाँ पे टेम्पो एक्स रेन ने पीटर्स को नॉक एंड फिनिश किया। 3v3 का सिचुएशन है जिसमें टीएस का एक बंदा नॉक्ड है, एंड आई गेस उसको फिनिश भी किया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्मोक लोवाइजन ने किया अपने टीम के लिए, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहेंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि वो टेम्पो स्टॉर्म के बाकी के प्लेयर्स को स्पॉट कर पाए। M416 चलाने की कोशिश पर वहां पे चीका को ऑलरेडी पता था कि फुटबॉलिस का एक प्लेयर रोटेट कर रहा है, एंड वो उसके वेट में ही था कि वो पीक ले एंड वहां पे मिनी 14 का स्प्रे। बट यस, यहां पे लोवेसिंग का AKM 3X क्या बेहतरीन चल रहा है। हम लोग कब से देख रहे हैं कितना प्यारा यूज प्रदर्शन किया जा रहा है इस चीज का, यू नो हाउ टू यूज AKM एंड 3X। बट यस, यहां पे 2v1 का सिचुएशन, फुटबॉलिस के पास बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है इस गेम को कन्वर्ट करने का। उनके पास 10-11 किल ऑलरेडी हो चुका है। चीका वहां पे लोवेसिंग को कंफर्म करते हुए चीका अपने टीम के लिए किल निकालते हैं बिकॉज उन्होंने इस गेम में काफी अच्छा ऑलरेडी टेम्पो ने खेल लिया है। अब उनको बस ये करना चैट वहां पे, एंड यहाँ पे टेम्पो स्टॉर्म आउट ऑफ नोवे चिकन डिनर लेते हुए वहां पे फुटबॉलिस के ट्रॉन ने, जो मुझे पता भी नहीं चला, आया अपना पोजीशन दिखाया, प्रोन कर गया। बट यस, व्हाट अ गेम बाय टेम्पो स्टॉर्म। निको रेन कमिंग अप विद 6 किल्स, स्पेक एंड चिका विद 2 एंड 4 किल्स, 18 किल का चिकन डिनर, ये इनको पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर भेजेगा, बहुत ज्यादा ऊपर भेजेगा। क्योंकि ये जो गेम प्ले इन्होंने निकाला टेम्पो स्टॉर्म, एक